हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉक्सकॉम्ब है और इसके बहुत सारे नाम है। वेलवेट फ्लावर्स बोलते हैं वैसे तो इसको, और सेलोसिया क्रिस्टेटा भी बोलते हैं। ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं इसके फ्लावर्स। ये रेड कलर का है, लेकिन येलो, वाइट, पिंक बहुत सारे कलर्स में भी आते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखते हैं। तो मैंने अगले एक वीडियो डाली हुई है इसकी और इसकी डिटेल बताई है, लेकिन जिस व्यूवर्स ने ये नहीं देखा तो उसको मैं बता दूँ। तो आज का टॉपिक तो फ्रेंड्स इसके सीड्स किस तरह से कलेक्ट करते हैं उस पे ही है। तो ये अभी तो मैच्योर हो गए इसके सीड्स, तो अक्टूबर से दिसंबर तक इसके सीड्स मैच्योर हो जाते हैं और गिरते रहते हैं, तो हम कलेक्ट कर सकते हैं। आप वीडियो में देखते रहना, इसके सीड्स बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक कलर्स के होते हैं और शायद आपको दिख जाए, धूप ज़्यादा है तो अच्छे से दिख नहीं रहे, लेकिन आप देखते रहना। बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक कलर्स के सीड्स होते हैं इसके, और इसको कलेक्ट करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको रब करते हैं, तो रबिंग से ये सब निकल जाते हैं। पेपर डिश या एक बाउल लेके आप रबिंग कर सकते हैं, तो ये सारे सीड्स निकल जाएंगे। इसके फ्लावर्स का ऊपर जो टॉप का पार्ट है उसको छोड़ के नीचे सब जगह उसके सीड्स भरे हुए रहते हैं, यानी कि वो बाजरी के दाने जिस तरह से लगे होते हैं उसी तरह से ये लगे होते हैं, और तुलसी में मांजर भी होती है किस तरह से, उसी तरह से इसके सीड्स छोटे छोटे मांजर की तरह ही लगे रहते हैं। तो इसके पानी और सनलाइट की बात करें तो फ्रेंड्स रेगुलर पानी डालते रहे इसको, और धूप इसको अच्छी चाहिए, तो 3-4 घंटे की धूप आपको इस प्लांट में मिल जाए, इस तरह से आप मैनेज कीजिए। बाकी तो बहुत ही अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस प्लांट है और हार्डी प्लांट है, बहुत कुछ देख रेख की ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरह से इसके सीड्स फ्रेंड्स सिर्फ झाड़ते रहिए आप, देखिए तो सारे सीड्स निकल जाएंगे। और सीडलिंग की बात करें फ्रेंड्स तो फेब्रुआरी में कर सकते हैं आप, और मानसून के सीज़न में भी कर सकते हैं, तो अच्छा सा रिजल्ट आएगा आपका। देखिए बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं इसके, तो इस तरह से आप झाड़ के भी इसके सीड्स ले सकते हैं, और डायरेक्टली लेना है तो भी रबिंग से आप ले सकते हैं। देखिए ये अभी इसके ऊपर जो कचरा है वो उसको अलग कर दीजिए और सीड्स को अलग कर दीजिए, और इसके सीड्स को फ्रेंड्स आप ऐसे पेपर में पैक करके रख सकते हैं, और जब इसकी सीज़न आए तब आप सीडलिंग कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही छोटे छोटे और ब्यूटीफुल दाने हैं, जो ये इसके सीड्स हैं ब्लैक कलर्स के। तो आज का टॉपिक में कुछ खास नहीं था, सिर्फ मैं यही बताऊंगी कि इसके सीड्स किस तरह से कलेक्ट करते हैं। आप पेपर में पैक करके एक पॉलीथीन बैग में रख के सेव कर सकते हैं, और जब सीज़न आए तब आप सीडलिंग कीजिए, तो अच्छे से रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ये, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो आपको भी कहीं से इसकी कटिंग्स मिल जाए, कटिंग से भी ये इजीली लग जाता है और सीड्स से भी लग जाता है, तो सीड्स लाइए या कटिंग लाइए और इसको लगाइए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।